मैं डॉक्टर रमेश शुक्ला एक बार आपका फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने ऑनलाइन एजुकेशनल प्लेटफॉर्म द लखनऊ स्टडी स्टेशन पर। और ये क्लास हमारा चल रहा है संख्यात्मक योग्यता यानी मैथ का क्लास चल रहा है, और इसमें हम लोग बात कर रहे हैं परसेंटेज की। तो आज का ये जो क्लास होगा परसेंटेज में पाँचवा क्लास होगा, और इसमें कुछ प्रतिशत के कॉमन क्वेश्चन पर बात करूँगा। तो एक एक करके आप देखिएगा, ये प्रश्न हमारे लिए बहुत महत्वपूर्ण होंगे और इनको करने के बाद थोड़ा सा कॉन्फिडेंस आएगा कि इन सवालों को हम इजी वे में कर सकते हैं। पहला क्वेश्चन देखिए, एक परीक्षा में तीन विषयों भूगोल, इतिहास तथा संस्कृत जिसके पूर्णांक क्रमशः 120, 140 तथा 100 थे। एक छात्र ने इन विषयों में क्रमशः 40%, 55% तथा 45% अंक प्राप्त किए। 180 अंक पूर्णांक वाले गणित विषय में छात्र कितने अंक प्राप्त करे कि वह 60% औसत अंकों से परीक्षा के चारों विषय पास कर ले। तो यहाँ से इसमें क्लियर हो गया कि परीक्षा में हमारे चार विषय हैं जिनके जो मैक्सिमम मार्क्स हैं यानी पूर्णांक मेंशन किए गए हैं, और परीक्षा वह 60% अंकों से चारों विषयों के साथ पास करना चाहता है। तो हमें पहले ये देखना होगा कि कंप्लीट चारों विषय जिनका पूर्णांक का योग क्या है, और छात्र अगर 60% पाएगा अंक तो कितने अंकों से मिलेंगे। तो पहला विषय आपका भूगोल है, और इसका जो मैक्सिमम मार्क्स है भूगोल का वो 120 है। इसके बाद दूसरा विषय आपका इतिहास है, इतिहास के जो मैक्सिमम मार्क्स हैं यानी पूर्णांक हैं वो 140 है। और तीसरा विषय आपका संस्कृत है, जो संस्कृत के मैक्सिमम मार्क्स हैं वो 100 हैं। और चौथा विषय आपका गणित है, गणित के जो मैक्सिमम मार्क्स दिखाए गए हैं वो 180 हैं। तो ये चार विषय हो गए, चार विषय के टोटल जो अंक हो गए जोड़ लीजिए कितना हो जाएगा, 0 हो गया, 8 4 12 2 14 के 4 हो गए, कैरी 1 हुआ और 4 1 5, 540 अंकों की टोटल एग्ज़ाम है। और वह बच्चा इसको 60% अंकों से पास करना चाहता है यानी गुणे 60 और बटा 100। उसे जो अंक टोटल चाहिए कितने चाहिए, 0 और 6 0 0 हो गया, यहाँ से 0 काट देते हैं, है ना, 0 की ज़रूरत नहीं है, 6 4 को 24 के 4 और 6 5 30 और 2 32, यानी 324 अंकों से टोटल चाहिए। अब उसने क्या किया कि 40% अंक हासिल कर लिए पहले वाले विषय में भूगोल में। देखिए 120 नंबर भूगोल के थे टोटल और 40% उसको भूगोल में मिले, तो 120 का 40% क्या हो जाएगा, गुणे 40 बटा 100 कर दीजिए, 0 0 कट जाएगा, 48 नंबर उसको भूगोल में मिल गए। उसके बाद दूसरा विषय उसका क्या है, इतिहास है, इतिहास में 55% मिले, तो 140 का 55% निकाल लीजिए बटा 100, 20 सत्ते और 20 पंचे 11 11 सत्ते 77 अंक उसको मिल गए यहाँ पे इतिहास में। और संस्कृत में 45% मिला है, तो 100 का 45% क्या हो जाएगा, 100 × 45 / 100 यानी 45 अंक संस्कृत में मिले। तो गणित में कितने चाहिए, अगर इनको तीनों को जोड़कर इससे घटा दें तो पता चल जाएगा, इसे जोड़िए, 8 7 15 5 20 के 0, कैरी 2 हुआ, 6 4 10 और 7 17, 170 नंबर उसने हासिल किए तीन विषयों में, कौन से, भूगोल, इतिहास तथा संस्कृत, जिनके पूर्णांक 120, 140 और 100 थे। इसमें क्रमशः 40%, 55% एंड 45% मिला करके 170 मार्क्स हासिल किए, और पूर्णांक में 324 चाहिए, क्यों, क्योंकि 60% अंकों से पास करना चाहता है। तो आप इससे 170 जब माइनस कर देंगे तो 154 यानी 154 अंक अगर उसे गणित में मिल जाते तो वह 60% अंकों के साथ पूरे एग्ज़ाम को पास कर सकता है। तो आपका सही आंसर क्या हो जाएगा, 154 मार्क्स। अगला सवाल देखिए, काफ़ी अच्छा सा लिखा हुआ है, ए की आय बी से 20% अधिक है और सी से 8% अधिक है। अगर सी की आय 5500 रुपये है तो आपसे पूछा जा रहा है कि फिर बताइए बी की आय क्या है। तो जब तक ए बी सी की आय में रिलेशन नहीं मालूम होगा, अनुपात नहीं मालूम होगा, तब तक हम नहीं बता सकते हैं कि बी की आय क्या होगी। तो यहाँ पे इम्पॉर्टेंट है कि पहले हम रेशियो निकालें। देखिए ए की आय बी से 20% अधिक है, ए की आय बी से
20% अधिक है, तो अगर 200 है तो फिर ए क्या हो जाएगा, 120 हो जाएगा। दोनों में क्या रिलेशन हो गया, 6 और 5 का रिलेशन हो गया। अब आपसे ये कहा जा रहा है कि सी से 8% ए के पास ज़्यादा है, तो अगर ए का कंपेरिजन हम सी से करें तो यहाँ पे ए 108 है कंपेरिजन में सी के, ये 100 है। अब अगर हमें बी को इंक्लूड करना है तो 6 और 5 का संबंध ए बी में है, अगर ए 108 है तो बी क्या हो जाएगा, यहाँ पे 108 बटा 6 और गुणे 5 कर दें तो ये कितना आ जाएगा बी का, 6 कम 6 और 6 48 18 5 90, यानी ये 90 होगा तो ये 100 होगा तो ये 108 होगा, इनके बीच ये संबंध हो जाएगा। आप देखिए चेक करिए, ए की आय बी से 20% ज़्यादा है, 18 ज़्यादा है, देखिए 18 90 का क्या होता है 20%, और सी से कितना ज़्यादा है 8%, तो 108 90 और 100 का रिलेशन आ जाएगा। फिर से देख लीजिए, ए की आय बी से 20% ज़्यादा है, एक बी की अगर 100 है तो ए की 120 है, 6 5 का रिलेशन ड्रॉप कर दिया। ए की सी से 8% ज़्यादा तो ये 100 है तो ये 108 है, लेकिन जब ये 6 था तो ये 5 है, तो यहाँ 6 रख दिया ऊपर 5 रख दिया तो ये 90 आ गया, ये 108, ये 100। अभी क्या दिया है, सी की आय 5500 रुपये है, तो सी की आय जब 5500 है तो 5500 के नीचे क्या रखेंगे, सी का अनुपात रखेंगे। अब जिसका पूछे, बी का पूछ रहा है तो 90 यहाँ रख दीजिए, 0 0 कट जाएगा, 0 9 5 45 के 5 कैरी हुआ, 4 9 5 45 और 4 49, 4950 रुपये यहाँ पे बी की इनकम होगी। और बाई द वे अगर पूछ लेता कि ए की इनकम क्या है तो यहाँ पे 108 उठा के रख देते, कैलकुलेट कर देते, जो भी होगा वो आंसर आपके सामने आ जाएगा। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये नेक्स्ट दो क्वेश्चन लिखे हुए हैं और बड़े इंटरेस्टिंग क्वेश्चन है, बस ध्यान से आपको देखने की ज़रूरत है। मनोज को 42% अंक प्राप्त कर किसी परीक्षा को पास करना है, मनोज को 42% अंक प्राप्त कर किसी परीक्षा को पास करना है, किंतु उसने मात्र 31% अंक प्राप्त किए, फलस्ताप यदि वह 8% अधिक अंक प्राप्त करता तो सिर्फ 12 अंकों से अनुत्तीर्ण होता। यदि 8% अंक अधिक प्राप्त करता पहले से तो मात्र 12 नंबर से अनुत्तीर्ण होता। आपसे पूछा जा रहा है कि परीक्षा का उत्तीर्णांक क्या है, यानी क्वालिफाइंग मार्क्स क्या है। तो यहाँ पे सबसे पहली चीज़ देखिए कि 42% अंक अगर मिलते तो परीक्षा पास होता, मींस उत्तीर्ण होता। यदि 42% मिलते तो पास होता, उसे मिला कितना, 31%। अब आगे कहा जा रहा है यदि 8% अधिक अंक मिलते तो +8 हो जाएगा और ये 39% हो जाता, फिर भी वो फेल हो जाता। यदि 8% अधिक अंक मिलते फिर भी 12 अंक से फेल हो जाता, तो इसका मतलब है कि 42% पास होने के लिए चाहिए 39% यदि मिलते तो वो 3% से फेल होता, और आप कह रहे हो कि 12 अंक से फेल होता, तो 12 ही तो 3 है। यदि पूर्णांक चाहिए तो 100 रख दीजिए, यदि उसे मिले मार्क्स चाहिए तो 31 रख दीजिए, और अगर उत्तीर्णांक चाहिए तो 42 रख दीजिए, ये काट दीजिए, 3 चौक 12 हो गया, 4 दूनी 8, 4 चौक 16, 168 अंक चाहिए परीक्षा पास करने के लिए। तो बिल्कुल क्लियर हो गया होगा कि मनोज को 42% मिलते तो वो पास होता, बट 31 मिले। कहा जा रहा है अगर 8% और मिलते तो वो सिर्फ 12 नंबर से फेल होता, यानी जब 39% मार्क्स होता तो 3% से फेल होता और 12 अंकों से फेल होता, तो 12 ही 3 है, जो चाहिए वो ऊपर रख दीजिए। हमें उत्तीर्णांक परसेंटेज चाहिए था तो 42 रख करके 168 मार्क्स बता दिए आपने। अगला सवाल काफ़ी बढ़िया सा है, राम ने वार्षिक परीक्षा में 37.5% अंक प्राप्त किए और 68 अंकों से फेल हो गया, जबकि उसी परीक्षा में श्याम ने 47.25% अंक प्राप्त किए जो उत्तीर्णांक से 49 अंक अधिक थे, तो परीक्षा का पूर्णांक क्या है। यहाँ पे देखिए बड़ी इंटरेस्टिंग सी चीज़ आपको बताते हैं, जैसे अगर आपसे ये कहा जाए कि एक व्यक्ति इतने अंकों से फेल हो गया है और दूसरा व्यक्ति उसी परीक्षा में इतने अंकों से पास हो गया या उसे उत्तीर्णांक से इतने अंक ज़्यादा मिले, तो फेल से पास हमेशा जुड़ जाता है, फेल से पास या पास से फेल, यानी अपोजिट चीज़ें होती हैं तो हमेशा जुड़ती हैं, और अगर एक जैसी चीज़ें होती हैं तो हमेशा घटती हैं।
अगर दोनों के फेल फेल अंक होते तो आपस में माइनस हो जाते ये जो अंक हैं, और अगर दोनों पास पास होते तब भी माइनस फेल और पास जुड़ जाएगा। इसका मतलब क्या है कि जैसे किसी परीक्षा को पास करने के लिए 100 अंक चाहिए, मिनिमम 100 अंक चाहिए। अब एक बच्चा 90 पाता है और एक 110 पाता है, तो ये 10 से फेल हुआ, ये 10 से पास हुआ, दोनों 10-10 जोड़ दीजिए कितना हो गया 20, यानी दोनों के बीच का जो अंतर है वो 20 हो जाएगा। तो फेल से पास, पास से फेल हमेशा जुड़ जाता है, इस चीज़ को ध्यान में रखेंगे तो ईजी वे में आंसर कर पाएंगे। अच्छा, यहाँ पे देखिए राम को कितने नंबर मिले थे, राम को मिले थे 37.5%, राइट, और ये फेल हो गया 68 मार्क्स से, अंक से। तो अगर 68 प्लस होते तब ये पास होता ना, अगर 68 प्लस होते तब पास होता, लेकिन इसको माइनस 68 मिला है, किससे, उत्तीर्ण अंक से, तभी तो ये फेल हो गया। अच्छा, इसी परीक्षा में दूसरा व्यक्ति है श्याम है, इसी परीक्षा में दूसरा व्यक्ति श्याम है, उसको 47.25 मार्क्स मिले हैं और ये 49 अंकों से पास हो गया है, ज़्यादा मतलब मिला है, तो फेल पास क्या होगा, जुड़ जाएगा, इसको ध्यान रखिएगा। 8 और 9 17 के साथ कैरी हुआ, 1 6 4 10 1 11, 117 अंक का फासला है दोनों बच्चों में, इसको घटा लीजिए कितना हो जाएगा, 5 यहाँ से जाएगा, यहाँ लिख करके घटा लेते हैं, 47.25 और 37.5। तो अगर 47.5 होता तो 37.5 का मतलब 10 होता, ये 0.25 कम है, तो ये हो जाएगा 9.75 आ जाएगा, हटाइए, समझ गए ना। अगर ये 47.5 होता तो 10 आता, लेकिन ये 0.25 कम है तो 10 से 0.25 कम कर दीजिए। अब 117 अंक की जो वैल्यू है वो 9.75 है, तो 9.75 आप नीचे रख दीजिए। आपसे पूछा क्या है, परीक्षा का पूर्णांक क्या है, तो किसी भी परीक्षा का पूर्णांक 100% होता है, 100 रख दीजिए, दशमलव हटाएंगे तो ऊपर 2 जीरो चले जाएंगे, ये हो गया, कैलकुलेट कर दीजिए इसको, 25 से इसे काटेंगे तो ये 25 से काटेंगे तो कितनी बार कट जाएगा, 25 तियाँ 75 और यहाँ बच जाएगा 7522, 25 नौयाँ 225 और 39 से काटेंगे तो ये 39 से काटेंगे 25 चौको, अच्छा ये 100 हो गया और 39 तियाँ 4 तियाँ ही 12 हो गया। ये परीक्षा 1200 अंकों की है, 25 से देखिए काटा गया है, 25 तियाँ 75 और 225, 25 नवैया 225, 25 चौको 100 और 39 तियाँ 117, 3 चौक 12, यानी ये परीक्षा जो है इसमें जो मैक्सिमम मार्क्स हैं, पूर्णांक जो है वो 1200 अंकों का है। आइए अगले क्वेश्चन पे, ये नेक्स्ट दो क्वेश्चन और आपके सामने लिखे हुए हैं, पांचवा और छठा। पांचवे में लिखा है मोहनी ने एक परीक्षा में 40% अंक प्राप्त किए और 60 अंकों से फेल हो गई, जबकि उसी परीक्षा में रागिनी को 45% अंक मिले और वह भी 15 अंकों से फेल हो गई, परीक्षा का पूर्णांक क्या है। तो यहाँ पे मोहनी 60 अंकों से फेल हुई है और रागिनी भी 15 अंकों से फेल हुई है, जब एक जैसी बातें होंगी तो आपस में घट जाएंगी, अगर फेल फेल होगा तो आपस में घटेगा, पास पास होगा तो घटेगा, फेल से पास और पास से फेल जुड़ जाएगा। अभी आप देखिए मोहनी को टोटल जो अंक मिले हैं वो 40% मिला है और ये फेल घोषित की गई है 60 मार्क्स से, जबकि उसी परीक्षा में दूसरा बच्चा है रागिनी, इसको जो अंक मिले हैं वो 45% मिला हुआ है और ये भी फेल घोषित की गई है 15 अंकों से, यानी इनके बीच जो अंकों का डिफरेंस है वो 45 अंक का है, 45 अंक का डिफरेंस है, दोनों फेल होते हैं, 45 अंक का डिफरेंस है, यहाँ पे फेल फेल दोनों घट जाएंगे, पास पास घट जाएंगे, अगर फेल पास होता तो जुड़ जाता। इसका मतलब है कि 5% की जो वैल्यू है वो 45 अंक है, तो 45 ही 5 है। अगर यहाँ पे मोहनी के अंक चाहिए तो आप 40 रख दो, रागिनी के चाहिए तो 45 रख दो, और पास होने के लिए कितने अंक चाहिए तो ये भी मैं आपको बता रहा हूँ, पूर्णांक चाहिए तो 100 रख दो। तो सबसे पहले आप पूर्णांक पूछा गया है उसे देख लीजिए, हम यहाँ 100 रख देते हैं, 5 9 45, 900 अंकों की परीक्षा है। अच्छा,
बाय द वे अगर आप इसी प्रश्न में कोई पूछ ले कि बताइए परीक्षा पास करने के लिए कितने नंबर चाहिए, तो हम मोहिनी के साथ देखे देखते हैं 45/5 तो था ही, और मोहिनी ने कितने 40% अंक प्राप्त किए, तो ये कितना हो गया 5 × 9 = 45, 9 × 4 = 36, 360 नंबर मोहिनी को मिले। और फेल किससे हुई है, 60 अंकों से, तो अगर 60 और मिल जाते तो पास हो जाती, यानी पास होने के लिए 420 अंक चाहिए, परीक्षा पास करने के लिए 420 अंक चाहिए, पूर्णांक 900 का है, मोहिनी को 360 नंबर मिले हैं। अगर आप रागिनी के साथ निकालना चाहते हैं तो इसके साथ भी निकाल सकते हैं, 45/5 × 45, 5 × 9 = 45 हो जाएगा, और 45 × अगर आप 9 करेंगे तो ये कितना हो जाएगा, 9 × 5 = 45 के 5 कैरी हुआ 4, 9 × 4 = 36 और 4 = 40, 405 अंक मिले, और ये 15 अंकों से फेल हो गई, अगर 15 इसको मिल जाते तो ये भी पास हो जाती, यानी पास होने के लिए हर परिस्थिति में 420 नंबर चाहिए। रागिनी को 405 मिले हैं, मोहिनी को 360 मिले हैं, वाकई दोनों में 45 अंक का अंतर है, और 420 चाहिए पास होने के लिए, ये 15 अंक से फेल हो रही है और ये 60 अंकों से फेल हो रही है, जबकि पूर्णांक क्या है, 900 अंक इस परीक्षा के पूर्णांक है। तो इस तरह से आपका सही आंसर कौन सा हो जाएगा, ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला देखिए, एक परीक्षा के प्रथम प्रश्न पत्र में एक छात्र ने 180 में 30% अंक प्राप्त किए। इसी परीक्षा का द्वितीय प्रश्न पत्र जिसका पूर्णांक 150 है, द्वितीय प्रश्न पत्र में छात्र कितने प्रतिशत अंक प्राप्त करे कि वो ये परीक्षा 50% अंकों के साथ पास कर ले। कौन सी परीक्षा, जिसमें दो प्रश्न पत्र हैं, तो हमारी जो परीक्षा है उसको वो पास करना चाहता है 50% मार्क्स ला करके, तो इसमें फर्स्ट पेपर जो आपका है वो कितने नंबर का है, 180 नंबर का, और जो सेकंड पेपर परीक्षा का है वो कितने नंबर का, 150, तो पूर्णांक क्या हो गया, पूर्णांक हो गया 330, ये क्या है, पूर्णांक है, मैक्सिमम मार्क्स हैं, 50% उसको चाहिए, तो 330 × 50/100, 33×5 = 165, 165 अंक उसको चाहिए। तो फर्स्ट पेपर में तो वो 30% ले आया है, तो फर्स्ट पेपर में अंक कितने मिले, यहाँ निकाल देते हैं इसका 30, यहाँ लिख लो 180 × 30/100, 18 × 54 अंक फर्स्ट पेपर में मिले हैं, तो सेकंड में कितने लाने पड़ेंगे, 165 − 54, ये हो गया आपका 111 अंक लाने पड़ेंगे उसे सेकंड पेपर में, और सेकंड पेपर कितने नंबर का है, तो 150 नंबर का है, तो 111 नंबर लाने हैं 150 में और गुणे 100, ये 50 × 50 = 3 से काट दीजिए 37 हो जाएगा, और 37 × 74 74% सेकेंड पेपर में जब लाएगा तो ओवरऑल परीक्षा 50% मार्क्स से पास कर लेगा। आप फिर से देखिए, दो सब्जेक्ट थे, पहला 180 नंबर का, दूसरा 150 का, 350 हो गए, 50% मार्क्स चाहिए यानी 165 चाहिए, 180 वाले में 30% यानी 54 लाया है, तो बाकी 111 सेकंड पेपर में लाने होंगे, तो सेकंड पेपर में 111 150 में लाने हैं, इसलिए 74% अंक सेकंड पेपर में अर्जित करने होंगे ताकि पूरी परीक्षा 50% अंकों से पास कर पाए। आइए नेक्स्ट क्वेश्चन पर, ये नेक्स्ट आपके सामने तीन क्वेश्चन लिखे हुए हैं और ये लास्ट क्वेश्चन है, बहुत छोटा सा वीडियो है और इसको इत्मीनान से देखिएगा, इसमें हमने आपसे 9 क्वेश्चन चर्चा किए हैं। तो ये 7 नंबर पे लिखा है, किसी परीक्षा में 60% उम्मीदवार अंग्रेजी में, किसी परीक्षा में 60% उम्मीदवार अंग्रेजी में और 52% गणित में उत्तीर्ण हुए हैं, मतलब पास हुए हैं, जबकि 32% दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो गए। यदि 176 छात्र, मतलब उम्मीदवार या छात्र की बात है, यदि 176 छात्र दोनों विषयों में पास हुए हैं तो परीक्षा में बैठे छात्रों की संख्या क्या है। यहाँ पे सबसे पहली चीज़ देखिए कि आप करेंगे इसको किस तरीके से, और इजी वे में आंसर आप बता सकते हैं, मैं आपको डिटेल में बताता हूँ। ये पहला विषय हमारा है और इसका नाम है इंग्लिश, शॉर्ट में लिख लेते हैं, ठीक है, और दूसरा विषय ये है, इसका नाम है मैथ। तो यहाँ पे 60% उम्मीदवार अंग्रेजी में उत्तीर्ण हुए हैं, इसका मतलब 40% फेल हुए हैं। 60% अगर अंग्रेजी में पास हुए हैं तो 40% अंग्रेजी में
फेल हुए हैं। हमने यहाँ पे 32 उठा के रख दिया जो दोनों में कॉमन है, 32% दोनों विषयों में फेल हैं। अब 32% दोनों विषयों में फेल हैं यानी 32 अंग्रेजी में भी कॉमन है, 32 मैथ में भी कॉमन है। आप कह रहे हो 40% अंग्रेजी में फेल हुए हैं, तो इसका मतलब 8% केवल अंग्रेजी में फेल हुए हैं और 32% दोनों में फेल हुए। अब आपसे कहा जा रहा है कि 52% गणित में पास हुए हैं, मैथ में पास हुए हैं, तो इसका मतलब 48% मैथ में फेल हुए हैं। अब 32% दोनों विषयों में यहाँ पे फेल हैं, तो 32-48 से घटा दीजिए क्या आ जाएगा, 16% ओनली मैथ फेल हैं। ये हो गया केवल इंग्लिश में फेल 8%, इंग्लिश में फेल 40%, केवल मैथ में फेल 16% और मैथ में फेल 48%। तो किसी ना किसी विषय में अथवा दोनों विषयों में फेल बच्चे कितने हैं, 8, 32 और 16, यानी 56% एक अथवा दोनों विषयों में फेल है। तो दोनों विषयों में पास कितने हुए, 100-56=44% दोनों विषयों में पास हो गए। अब 44% दोनों विषयों में पास हो गए, आप कह रहे हो 176 पास हो गए, तो 176 ही 44 है, चाहिए यदि पूर्णांक तो 100 रख दीजिए, 4 चौक 16 कट जाएगा 4 बार और ये परीक्षा का पूर्णांक जो है वो 400 आ जाएगा, यानी ये परीक्षा 400 मार्क्स की है। आपका सही आंसर ए हो जाएगा। अगला सवाल देखिए, किसी संख्या का 25% 650 के 18% से 19 कम है। किसी संख्या का जो 25% है वो इक्वल है, किसके इक्वल है? अच्छा, ये जो ऊपर सवाल अभी हमने आपको बताया इसको आप वर्बली बता सकते हैं। देखिए यहाँ पे क्या होगा, 40 और इधर से 48 बच गया, फेल, ये तो पास है, तो इधर से 40 और इधर से 48 है, 88 हो गया, 88 से 32 घटा दीजिए, 56% फेल हैं, तो 44% पास है, नीचे 44 और ऊपर 100 रख दीजिए, आंसर आ जाएगा। अगला सवाल आपका था कि किसी संख्या का 25%, तो संख्या अगर हम पी मान लें तो पी का 25% बोल सकते हैं, है ना, पी का 25% अगर संख्या हमारी पी है, थोड़ी देर के लिए मान लेते हैं कि संख्या पी है, तो पी का 25% बराबर है 650 के 18% से 19 कम, तो 650 का 18% माइनस 19, तो सबसे पहले 650 का आप 18% निकालोगे, गुणे 18 और बटे 100, 0 0 काट देता हूँ, 5 2 10 और 5 से काटिए 13 हो गया, 2 से काटिए 9 हो गया, 13 9 100 कितना हो जाएगा, 17, 13 9 117। अब 117 से 19 घटा दीजिए कितना बच गया, 98, ये बराबर है पी का 25%, तो पी क्या होगा, यानी पी बराबर 98/25 इंटू 100, कोई भी संख्या नेचुरली 100% होती है, तो 25 चौको 100 और 4 से गुणा कर देंगे तो पी बराबर आ जाएगा 392। आपका सही आंसर कौन सा होगा, सी आंसर इसका सही होगा। अगर जितना स्पष्ट आप सवाल पढ़ेंगे उतना ही इजी वे में आंसर आएगा। किसी संख्या का 25%, देखिए कामा लगा हुआ है, इक्वल है किसके, 650 के 18% से, यदि 19 कम कर दो तो 650 का 18% से 19 घटा दिया जो कि इक्वल है पी का 25%। बाकी कैलकुलेशन है। लास्ट में एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन दिया है, 4 घंटे 30 मिनट एक दिन का कितने प्रतिशत है, तो एक दिन में 24 घंटे होते हैं, आपको ये पता है ना, चाहे तो मिनट में कन्वर्ट कर लो, तो ऐसा भी कर सकते हैं, कोई बड़ा मैटर नहीं है, और चाहो तो इसको आप सीधा दिन में ही रखो और घंटे में ही रखो। तो यहाँ पे एक दिन जो है ये बराबर किसके होता है, 24 आवर्स के। अब 4 घंटे 30 मिनट का मतलब 4.5 घंटे, तो 4.5 घंटे 24 घंटे का कितने प्रतिशत है, इंटू 100 कर दो, अब दशमलव ऊपर हटा अगर सकते हो तो नीचे 0 बढ़ा लो, देखिए हमने यहाँ से नहीं यहाँ बढ़ा दिया,
काट दीजिए किससे कट रहा है, ये 0 0 पहले काटते हैं, फिर 3 से काटते हैं, 3 से काटेंगे तो ऊपर 15 हो जाएगा, 3 8 24 यानी 150 बटा 8 आ जाएगा। तो 8 1 8 हो गया, यहाँ पे 7 बच गया, 0 8 8 64 हो गया, दशमलव लग गया, 30 और 8 8 1 8 हो गया, 7 बच गया, 8 8 64 6 8 7 56 और 8 5 40 18.75%। तो एक चीज़ ध्यान रखिएगा, 0.5 को कुछ लोग 50 मिनट बोल देते हैं, ये गलत है। 0.5 घंटे का मतलब होता है 30 मिनट। क्यों? क्योंकि घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से गुणा करते हैं। आप देखिए, घंटे को मिनट में बदलने के लिए 60 से, तो 6 5 30, और देखिए यहाँ दशमलव लग गया, 30 मिनट हुआ कि नहीं। तो चाहे तो इसको मिनट में कन्वर्ट कर लो, कोई प्रॉब्लम नहीं है, आप मिनट में भी बता सकते हैं। एक दिन में 24 घंटे होते हैं, और 24 × 60, तो 24 × 60 आप करिए कितने मिनट हो जाएंगे एक दिन में, 0 6 4 24 के 4 6 2 12 13 14 1440 मिनट हो गए, और 4.5 घंटे में कितने मिनट होंगे, तो 6 4 24 240 270 मिनट होंगे। तो 270/100 कर दीजिए, 0 0 यहाँ से कट जाएगा, आप 9 3 27 हो गया, और 9 से इसको काट दीजिए तो 16 हो जाएगा, 16 9 144 ये 100 हो गया, 2 से काटिए 8 हो गया, ये 50 हो गया, देखिए 150/8 फिर से आ गया, और फिर से यही आंसर आ जाएगा। तो चाहे उसको डे में रखिए या मिनट में कन्वर्ट करिए, जैसा आप चाहे कर सकते हैं, लेकिन यूनिट एक फॉर्मेट में होनी चाहिए। ये नहीं कि यहाँ पे दिन लगा हुआ है और यहाँ घंटे मिनट लगा हुआ है तो जो आया वो रख दिया। यूनिट अगर एक फॉर्मेट में नहीं होगी तो आपकी गणना अवैध मानी जाएगी। तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में, तब तक के लिए शुभकामनाएं, धन्यवाद।